नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश विशिष्ट और आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चैप्टर 4 द कैमरा एस्टीमेट प्रोक्योर कैमरा इक्विपमेंट। आइए शुरू करते हैं। कैमरा, एक कैमरा ऑपरेटर को अपने कैमरे के बारे में इतना ज़्यादा पता होना चाहिए कि तकनीकी तौर पर उसको इसके बारे में सोचना ना पड़े। जितना ज़्यादा उसको कैमरे के बारे में ज्ञान होगा, वो शूटिंग उतनी ही क्रिएटिव कर पाएगा, उतनी ही रचनात्मक तरीके से कर पाएगा। जो सिनेमेटोग्राफी की एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा, संचार कर पाएगा। अरेंज ऑफ मॉडल्स, वीडियो कैमरा आज के दौर में कई आकार और किस्मों के आ रहे हैं जो अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। कुछ कैमरे इतने छोटे होते हैं कि वो एक जेब में आ जाएं, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनको उठाने के लिए कई लोग लग जाते हैं। अगर कैमरे के इतिहास पर नज़र डालें तो हमारे पास कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, इंडस्ट्रियल यानी के औद्योगिक, और प्रोफेशनल यानी के पेशावर कैमरे हुआ करते थे। ऐसे पहले के कैमरा के उपनाम आज के समय में छोटे हो गए हैं और लीन हो गए हैं। जैसे पहले कंज्यूमर कैमरा जो हुआ करता था, आज वो प्रोफेशनल कैमरे के तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। ट्रेडिशनली यानी रवायती तौर पर जब हम मल्टी कैमरा प्रोडक्शन यानी एक से ज़्यादा कैमरा वाली प्रोडक्शन करते थे, तब हम महंगे कैमरे लाया करते थे, तो उनके साथ हमें कैमरा कंट्रोल यूनिट भी लाना पड़ता था। आज के दौर में यदि हम कोई प्रोफेशनल प्रोडक्शन करते हैं, वो भी मल्टी कैमरा सेटअप के साथ, तो मल्टी कैमरा सिस्टम हमें ये आज्ञा देता है कि हम कई किस्म के कैमरा यूज़ में ला सकते हैं। उनमें से कई सस्ते में आने वाले कैमरे भी हमें मिल जाते हैं। कैमरा सही है कि नहीं, इस बात पर निर्भर करता कि अंत में उसको प्रोडक्शन ने कैसे इस्तेमाल किया। आज से 10 साल पहले जो कैमरा प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैमरा कहलाते थे, आज उनकी जगह छोटे कम लागत के हाई डेफिनेशन पॉकेट साइज कैमरा मिल रहे हैं। टेलीविज़न और फिल्म कंपटीशंस, आजकल वो डायरेक्टर जीत रहे हैं जिन्होंने $1,000 से भी कम का कैमरा यूज़ किया था। पर 90 के दशक में ऐसा सुना भी नहीं जाता था। अब कोई कैमरे की क्वालिटी या गुणवत्ता के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि इक्विपमेंट्स हर एक की पहुंच में है, हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आने के बाद हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम इसको कितनी खूबसूरती के साथ विजुअली कम्युनिकेट करते हैं, इसको कितनी खूबसूरती के साथ दिखाते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्शंस एक कैमरे के साथ होती है जिसमें सिंगल कैमरा यूनिट होता है, इनको सिंगल कैमरा प्रोडक्शंस भी कहते हैं। सिंगल कैमरा प्रोडक्शन आमतौर पर पोस्ट प्रोडक्शन पे जाकर एडिट होता है। एक दूसरी किस्म की प्रोडक्शन है जिसमें दो से ज़्यादा कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनके साथ स्विचर वो निगरानी करता है कि किस कैमरे से ली हुई इमेज कब दर्शक को दिखानी है। और वो प्रोडक्शन जिसमें दो से ज़्यादा कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कहते हैं मल्टी कैमरा प्रोडक्शन या मल्टी कैमरा सेटअप। इन दोनों कैमरा सेटअप या दोनों कैमरा प्रोडक्शंस के बारे में, सिंगल कैमरा और मल्टी कैमरा सेटअप के बारे में हम आने वाले अध्याय में बात करेंगे। स्टेशनरी स्टूडियो कैमरा एलिमेंट्स, कैमरा केबल
टू वे केबल होती है जो वीडियो को कैमरा कंट्रोल यूनिट तक ले जाती है और यहाँ से वीडियो ऑपरेटर को रिमोट साइट जैसे स्टूडियो कंट्रोल और रिमोट ट्रक इन दोनों को ऑपरेट करने की आज्ञा देती है। व्यू फाइंडर यानी कि VF, इससे कैमरा पिक्चर को मॉनिटर किया जाता है, कैमरा पिक्चर की निगरानी की जाती है। अच्छा, और ये कैमरा ऑपरेटर को फोकस करने में, जूम करने में और इमेज को फ्रेम करने में सहायता करता है। जो क्विक रिलीज माउंट होता है ये कैमरे के साथ जुड़ा होता है, दूसरी साइड में ये प्लेट के थ्रू ट्राइपॉड और पेन हेड के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ कैमरे को अटैच करने में, माउंट के साथ और वहाँ से निकालने में मदद मिलती है। जो ट्राइपॉड हेड होता है जिसको हम पैनिंग हेड भी कहते हैं, ये इसके साथ कैमरा टिल्ट किया जा सकता है और पैन किया जा सकता है आसानी के साथ। जो वेरिएबल फ्रिक्शंस होते हैं यानी घर्षण को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट्स होते हैं, ये मूवमेंट्स को थोड़ा स्टडी कर देता है। जो हेड होता है उसको एक जगह स्थिर यानी फिक्स यानी लॉक्ड ऑफ भी किया जा सकता है। जो टिल्ट बैलेंस एडजस्टमेंट्स हैं, ये कैमरे की जो मूवमेंट्स होती हैं ऊपर से नीचे की ओर, उसको माउंट के ऊपर बैलेंस करती हैं, संतुलित करती हैं। ट्राइपॉड और कैमरा माउंट बहुत सारे रूप ले सकता है, जैसे कि तिपाई, पेडिस्टल और जिप। जूम कंट्रोल या कह लो सर्वो जूम, फोकस कंट्रोल और रिमोट कंट्रोल्स, ये कैमरा ऑपरेटर को कैमरे के पीछे से जूम करने में और लेंस को फोकस करने में मदद करते हैं। कैमरा फीचर्स। कैमरे के मुख्य भाग क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। जो लेंस सिस्टम होता है ये सीन की एक छोटी सी पिक्चर के ऊपर फोकस करने के बाद उसको लाइट सेंसिटिव चिप तक पहुंचाता है। अब जो ये इमेज इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव चिप तक पहुंचती है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको वीडियो सिग्नल से यहाँ से पढ़ा जा सकता है। कैमरा जो व्यू फाइंडर है ये इमेज को डिस्प्ले करता है, दिखाता है और इसके साथ कैमरा ऑपरेटर शॉट को सेटअप करता है, फोकस को एडजस्ट करता है और एक्सपोजर को, और इसी तरह के कई काम करता है। जो कैमरा रिकॉर्डर है ये वीडियो इमेज को कैप्चर करता है, खींचता है, उसके बाद ये उसको स्टोर करता है टेप पर, फ्लैश मेमोरी पर या हार्ड ड्राइव पर। जो पावर सप्लाई होती है कैमरे को वो एक्सटर्नल एसी पावर सप्लाई होती है, ये यहाँ तो प्लग होती है दीवार के साथ या फिर बैटरीज जो कैमरे के अंदर ही फिट होती हैं उनके थ्रू कैमरे को दी जाती हैं। माइक्रोफोन, ये या तो कैमरे के अंदर ही होता है या उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये कैमरे को जो जनरल साउंड है उसको पिकअप करने में सहायता करता है, मतलब इसी माइक्रोफोन के सहारे कैमरे तक आवाज़ पहुंचती है। द लेंस सिस्टम। हर वीडियो लेंस के सामने वाले हिस्से पर दो नंबर उकेरे हुए यानी लिखे हुए होते हैं, द लेंस फोकल लेंथ यानी लेंस की लंबाई, या जूम लेंस के मामले में
इसकी फोकल लंबाई की श्रेणी, ये आपको शॉट के आकार में विभिन्नता का संकेत देता है जो लेंस प्रदान करेगा। लेंस का जो सबसे बड़ा अपर्चर या एफ स्टॉप नंबर, उदाहरण के लिए F2, जितना ज़्यादा एफ स्टॉप नंबर छोटा होगा लेंस के अपर्चर का साइज उतना ही बड़ा होगा। सो इससे डिम लाइट में या कम रोशनी में इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। फंडामेंटल या मूल रूप से दो तरह के वीडियो कैमरा लेंस होते हैं, प्राइम लेंस या प्राइमरी लेंस। इसमें खास किस्म की अनचेंजेबल, जिसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसी फोकल लेंथ होती है। प्राइमरी लेंस अब एक ख़ास किस्म की आइटम बन गए हैं फिल्म मेकर्स के लिए, डिजिटल फिल्म मेकर्स के लिए, ख़ासकर उन सिचुएशंस में, उन हालातों में जिनमें सिक्योरिटी और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर फिल्म मेकिंग करी जाती है, वीडियोग्राफी करी जाती है। उसके बाद है जूम लेंसेज। अब जो जूम लेंस में क्या होता है, इनमें वेरिएबल फोकल लेंथ होती है, मतलब इनकी फोकल लेंथ बढ़ाई और घटाई जा सकती है। अब जो जूम लेंस हैं ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं या बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं फिल्म मेकिंग में, क्योंकि इनमें जो वाइड एंगल्स है ना टेलीफोटो लेंस में, इसकी फोकल लेंथ शिफ्ट की जा सकती है आराम से। मतलब वाइड एंगल से टेलीफोटो लेंस में शिफ्ट होने की योग्यता के कारण जूम लेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जूम लेंसेज, आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जूम लेंस जो होते हैं ये वेरिएबल यानी परिवर्तनशील फोकल लेंथ वाले लेंसेज होते हैं। इस लेंस के साथ कैमरा ऑपरेटर कैमरे को जूम आउट और जूम इन कर सकता है, और इसमें उसको कैमरे को आगे या पीछे लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मतलब उसकी पोजीशन स्थिर रहेगी। जूम लेंस कैमरा ऑपरेटर को हर वो चीज़ जो लेंस की रेंज में आती है, इसकी जद में आती है, उसको कवर करने में सहायता देता है। ज़्यादातर वीडियो और टेलीविज़न कैमरा ऑप्टिकल जूम लेंसेज के साथ आते हैं। जो ऑप्टिकल जूम होता है वो लेंस का इस्तेमाल इमेज को बड़ा करने में करता है और इसके बाद वो इसको चिप तक भेज देता है। ऑप्टिकल जूम है वो कैमरा चिप की जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसको बनाए रखता है। कंज्यूमर कैमरों की बढ़ती हुई संख्या एक लेंस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है जो ऑप्टिकल जूम लेंस और डिजिटल जूम लेंस दोनों का मिश्रण है। एक कैमरा उदाहरण के लिए जिसमें 20x ऑप्टिकल जूम लेंस और 100x डिजिटल जूम लेंस है, इसके डिज़ाइन की गुणवत्ता के आधार पर ऑप्टिकल जूम लेंस सिस्टम को अपनी जूम रेंज के अंदर निरंतर उच्च गुणवत्ता वाली इमेज देना चाहिए। फोकस और तस्वीर की स्पष्टता सभी सेटिंग्स में सर्वोत्तम रहेगी। डिजिटल सिस्टम में जूम इन का प्रभाव लाने के लिए हम डिजिटली बनाई तस्वीर के छोटे छोटे क्षेत्र को धीरे धीरे पढ़ के प्राप्त करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि दर्शक संभावित तौर पर पिक्चर की गुणवत्ता को धीरे धीरे
बदलते हुए देखता है। क्यों? अब चूंकि उसको अपन जूम इन कर रहे हैं तो असल तस्वीर के कुछ कम गिनती के पिक्सल्स जो हैं उसको फैलता हुआ दर्शक स्क्रीन पर देख रहा है। लेंस डिज़ाइन करने में कुछ टेक्निकल कंप्रोमाइज़ समझौते भी करने पड़ जाते हैं, ख़ासकर जो स्मॉल सिस्टम होते हैं ना, छोटी प्रणालियां होती हैं उसमें, जैसे एक हल्के भार वाले मजबूत यूनिट से उच्च प्रदर्शन कराने में समस्याएं। थ्री ऑप्शंस फॉर सेलेक्टिंग द लेंस अपर्चर। लेंस अपर्चर चुनने के लिए आपके पास तीन विकल्प होते हैं। एक्सपोजर के अनुकूल एक एफ स्टॉप की चुन करें। लेंस अपर्चर को एडजस्ट कर लें, व्यवस्थित कर लें, ताकि आपको एक प्रॉपरली एक्सपोज पिक्चर मिले जिस पर आप टोनल ग्रेडेशन और सब्जेक्ट की और डिटेल्स जो होती हैं वो क्लियरली देख सकें। अगर वहाँ रोशनी ना काफ़ी है तो आपको एडिशनल लाइट्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तो शॉट ओवर एक्सपोज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट पर जो लाइटिंग है उसको कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप अपर्चर को रिड्यूस करें, ठीक है, स्टॉप डाउन करें, और जो न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर है एक निरपेक्ष घनत्व का फिल्टर जो है वो लगाएं। एक ऐसा एफ स्टॉप चुनें जिससे हमें एक स्पेसिफिक डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाए। लोग ज़्यादातर एक्सपोजर सही प्राप्त करने को तरजीह देते हैं, फिर चाहे डेप्थ ऑफ फील्ड कुछ भी रहे, जबकि कई बार ऐसा समय भी आएगा, खासकर क्लोजअप के दरमियान, जब पूरे सब्जेक्ट को शार्प फोकस में रखना संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में इनसफिशिएंट डेप्थ ऑफ फील्ड होगा, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा। तब ये ज़रूरी हो जाएगा कि अपर्चर कम कर दिया जाए ताकि कैमरे में अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा मात्रा में जा सके और एक्सपोजर सही प्राप्त किया जा सके। कैमरा ऑपरेटर को कई बार शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होता है ताकि वो सब्जेक्ट को शार्पली डिफाइन कर सके और डीप फोकस का प्रयोग भी किया जा सकता है ताकि शॉट में हर चीज़ क्लियर कट, साफ शफाफ नज़र आए। एफ स्टॉप को इस तरह सेट करें ताकि जो लाइटिंग सिचुएशन है वो एक औस दर्जे की, एक एवरेज किस्म की हो जाए। एक ऐसा समय भी आएगा जब कैमरा ऑपरेटर का लाइट पर कम या बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब कई बार उसको सब्जेक्ट के अराउंड घूमना पड़ता है। तब अलग अलग किस्म की लाइटिंग कंडीशंस होती हैं। ऐसे हालातों में बहुत कम विकल्प हैं, पर मैनुअली एडजस्ट करें लेंस के अपर्चर को, जिससे जो आपका एक्सपोजर है वो एवरेज स्तर तक आ जाए, और या फिर कैमरा को ऑटोमेटिक इरिश कंट्रोल पर लगा दें और नतीजे में डेप्थ ऑफ फील्ड कुछ भी आए उसे स्वीकार करें। लेंस एसेसरीज। यहाँ तीन किस्म के नेगलेक्टेड एसेसरीज, कुछ
नज़रअंदाज किए गए कैमरा के लघु भाग होते हैं। नंबर एक पे है लेंस, फिर है जी लेंस कैप, और उसके बाद यूवी फिल्टर और लेंस हुड। लेंस कैप, जब कैमरा इस्तेमाल ना किया जा रहा हो तो लेंस कैप को लगाने की आदत डालिए। ये एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर यानी किसी चीज़ से बचाने के लिए एक कवर क्लिप होता है जो लेंस के आगे फ्रंट पे होता है। ये जो बाहर से यूवी फिल्टर के नज़दीक से जो बाहर से गंदगी आती है उसको रोकता है, और इसके बाद जो लेंस सरफेस है इसके पास एक स्पेशल ब्लूइश कोटिंग होती है जो पिक्चर के कंट्रास्ट को इम्प्रूव करती है और टोनल ग्रेडिएशन को इम्प्रूव करती है इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है उसको घटाने के बाद जो लेंस फ्लेयर के साथ पैदा होती है और ओवरऑल ग्रेइंग के साथ। लापरवाही के साथ सफाई करना या स्क्रैचिंग, जैसे रेत उड़ रही हो या ग्रिट हो ऐसा कुछ, ये पतली फिल्म को आसानी के साथ नुकसान पहुंचा सकती है। लेंस कैप जो होता है ये लेंस को स्क्रैचिंग और रबिंग से ही नहीं बचाता, बल्कि जो बाहर से कोई कंकर पत्थर या मॉइस्चर आता है उससे भी बचाता है। द क्लियर और यूवी फिल्टर, यूवी फिल्टर है, इनको लेंस के आगे इसलिए रखा जाता है ताकि लेंस के एलिमेंट की रक्षा की जा सके। कुछ मुद्दे हैं उनके डिस्क्रिप्शन, उनके वेरवों के लिए। पहले वाला लेंस कैप का जो भाग है उसको देखें जो लेंस कोटिंग के साथ पैदा हो सकते हैं। लेंस हुड या सनशेड, ये लेंस के इर्द गिर्द एक सिलेंडिकल या कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है। जब कैमरे के बिल्कुल सामने जो एक शक्तिशाली प्रकाश स्रोत होता है या कुछ कह लीजिए स्ट्रे लाइट, आवारा किरणें जो होती हैं उनसे कैमरे के अंदर जो लेंस हैं और एलिमेंट्स और जो तत्व हैं उनको ये बचाता है। नहीं तो यदि ये कैमरे के अंदर आ जाएंगी किरणें तो इंटरफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब टकराने के बाद भटकन सी पैदा कर देंगी। जबकि जो लेंस कोटिंग होती है ये लेंस फ्लेयर को कम करने के लिए ही होती हैं। लेंस हुड जो होता है लाइट के जो अनवांटेड इफेक्ट होते हैं ना उनको बनने से रोकता है, जैसे स्पोरियस इफेक्ट होता है, इसमें फाल्स और फेक लाइट बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद होता है जी मोल्टिंग, इसमें कलरिंग एरिया जो है वो डिफरेंट शेड्स लिए आता है। उसके बाद होता है जी ओवरऑल जो येलिंग हो जाती, इसमें जाली सा पर्दा बनता है लाइट का। और अगर यदि लेंस हुड नहीं होगा तो ये सारे इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सेंसिटिविटी, सभी प्रकार के कैमरा सिस्टम में अच्छी और साफ तस्वीरों के उत्पादन के लिए थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए। रोशनी कितनी होनी चाहिए ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसकी एडजस्टमेंट यानी अनुकूलता कैसे है, और उसमें कितना हल्का अंधेरा है उसके इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग्स में, इस बात पर निर्भर करता है। जबकि क्या होगा कि अगर जितनी चमकदार हमें सतह चाहिए, सराउंडिंग्स चाहिए, अगर वो ना हो एक अच्छी इमेज प्राप्त करने के लिए तो क्या होगा? तब हमारे पास दो विकल्प होंगे। इन हालातों में या तो आप
कैमरे को एडजस्ट करोगे, व्यवस्थित करोगे या फिर लाइटिंग को इम्प्रूव करोगे, बेहतर करोगे? इसमें सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप कैमरे का अपर्चर खोलो और जो ज़्यादा अवेलेबल लाइट है उस वक्त उसको सीसीडी के थ्रू आने दो, कहाँ तक, जहाँ तक हमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लेंस स्टॉप हमें मिल रहा है, जैसे f1.4, यहाँ तक। तब जो डेप्थ ऑफ फील्ड है ना, ये शैलोर हो जाएगी, छिछली हो जाएगी। शॉट्स, एक और पॉसिबल सॉल्यूशन है, इसका हल है कि जब इनसफिशिएंट लाइट हो, पर्याप्त रोशनी ना हो, तो अपन वीडियो गेन है जिसको वीडियो एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं, उसको बढ़ाएं कैमरे के अंदर। जबकि जो इमेज सेंसर होता है ना, ISO, उसके पास रोशनी नहीं होती। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक बूस्ट होगा ना, वो पिक्चर सिग्नल में स्ट्रेंथ लेके आएगा, मजबूती लेके आएगा। ज़्यादातर जो कैमरे होते हैं उनके पास 2 या 3 ये मैनुअल पोजीशन होती हैं, जिसको अपन खुद से कर सकते हैं, और कुछ एक में ये ऑटोमेटिक स्वचालित गेन होता है। एक 6 dB बढ़ोतरी 2 गुना ज़्यादा गेन बढ़ा देगी, और जो 12 dB इंक्रीज, 12 dB की जो बढ़ोतरी है, वो गेन को क्वाड्रपल कर देगी, मतलब 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। 12 dB का जो उच्च लाभ है, गेन है, वो आपको कम से कम एक रिकग्नाइजेबल इमेज, एक मतलब ऐसी इमेज जिसको आप अच्छे से पहचान सको, कम से कम वो इमेज तो आपको दिलाएगा ही। पर इसकी जो गुणवत्ता है ना, वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। जहाँ संभव हो गेन को जितना कम रखे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये पिक्चर में नॉइस को बढ़ाता है, जिससे पिक्चर की जो शार्पनेस है वो बिगड़ जाती है। हालांकि एक ऐसा समय भी आएगा जब हाई टेक्निकल क्वालिटी वाली जो इमेज है वो एक जो सही शॉट प्राप्त करने से कम महत्वपूर्ण माना जाएगा। मतलब एक अच्छा शॉट प्राप्त करने को ही तरजीह दी जाएगी। द व्यू फाइंडर, यहाँ बेसिकली मूल रूप से जो व्यू फाइंडर है वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 पे है ENGEFP व्यू फाइंडर, नंबर 2 पे है स्टूडियो व्यू फाइंडर, और इसके बाद नंबर 3 पे है स्विंग आउट LCD स्क्रीन। जो कैमकॉर्डर होता है वो आमतौर पे ENGEFP व्यू फाइंडर इस्तेमाल करता है। इस व्यू फाइंडर के पास एक छोटा सा टेलीविज़न होता है, 1.5 इंचज डायमीटर का, जो मैग्नीफाइड लेंस के साथ होता है, जो इमेज को बढ़ा देता है, जिससे जो कैमरा ऑपरेटर है उसको देख सकता है। इसके एक फ्लेक्सिबल लचकदार कप आईपीस के साथ एक आँख के विरुद्ध सारी जो आसपास की रोशनी है, एम्बिटेंट लाइट है, वो तस्वीर से बचा ली गई है, मतलब तस्वीर पर ना पड़े उससे शील्ड कर ली गई है। इससे कैमरा ऑपरेटर ना सिर्फ एक अच्छा शॉट कंपोज कर सकता है, बल्कि एक्सपोजर का भी एक अच्छा आइडिया प्राप्त कर सकता है, और इसके साथ ही जो
जो टोनल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में भी एक आइडिया लगा सकता है। कुछ कैमरे इस तरह से डिज़ाइन हुए होते हैं कि वो आईपीस को किसी भी तरफ अपनी सुविधा के हिसाब से मूव करा सकते हैं। ये कैमरे को ऊपर या नीचे भी एंगल कर सकते हैं, जिसको स्वील भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि कैमरा ऑपरेटर तब भी जो इमेज है उसको देख सकता है जब कैमरा एंगल जो है जो आई लेवल है उससे ऊपर या नीचे शूट कर रहा हो। जब कैमरा एक फिक्स्ड व्यू पॉइंट पे काम कर रहा हो या डॉली पे माउंट हो तब भी एक बड़े व्यू फाइंडर को इस्तेमाल में लाना संभव है। बड़े व्यू फाइंडर में एक ऐसी स्थिति जब अपना एक मूल्य बनाए रखना हो, सस्टेन्ड पीरियड हो, उसमें देखना आसान रहता है। इसकी तुलना एक आईपीस के साथ भी की जाती है जो कि आँख के ऊपर लगातार पड़ा रहता है। छोटी इमेज को देखने से अच्छा है कि इस पर ही देखा जाए ताकि फोकसिंग और अच्छी हो जाए। हुड विज़र है ना, वो मॉनिटर के आसपास इर्द गिर्द ही होता है ताकि जो बाहर की जो किरणें हैं वो पिक्चर के ऊपर ना पड़े, उसे शील्ड करता है। इस तरह के जो व्यू फाइंडर हैं वो या तो काले रंग में आएंगे या सफ़ेद रंग में आएंगे, जिसको हम मोनोक्रोमैटिक भी कह सकते हैं। LCD स्विंग आउट व्यू फाइंडर। वीडियो कैमरा की गिनती बढ़ने के बाद ये वीडियो कैमरा है जो एक नाल पे फिट किए गए हैं, जो लिक्विड क्रिस्टल इनकी डिस्प्ले होती है और ये LCD रेक्टेंगुलर आयताकार होती है और ये 2.5 to 3.5 इंच चौड़ाई में होती हैं और ये हमें जो शॉट हैं उसको कलरफुल दिखाती हैं, मतलब रंगीन दिखाती हैं। ये भार में हल्की होती हैं और जब कैमरा बॉडी यूज़ में ना हो तो ये फोल्ड की जा सकती हैं। हालांकि जब स्ट्रे लाइट जो खुली हुई रोशनी है इस पर पड़ती है तो इमेज की जो क्वालिटी है ना, गुणवत्ता है जो तस्वीर की, वो डिग्रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद ये है कि जो कैमरा ऑपरेटर है ना उसके लिए फोकस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे जो पिक्चर क्वालिटी है, तस्वीर की जो गुणवत्ता है, उसको जज करना भी मुश्किल हो जाता है। रिप्ले व्यू फाइंडर जो कैमकॉर्डर के ऊपर लगा हुआ है वो हमें जो हम शॉट ले रहे हैं वो ही नहीं दिखाता, बल्कि अगर वो स्विच करते हैं उसको तो हमें उसका रिप्ले भी दिखाता है, जिससे ऑपरेटर नए लिए हुए शॉट देख सकता है। कैमरा ऑपरेटर अगर कोई गलती हुई है तो उसको चेक कर सकता है, उसको पता लगा सकता है जैसे कि कैमरा वर्क कैसा था, परफॉर्मेंस कैसी थी उधर, और अगर कोई इसके अलावा कॉन्टीन्यूटी में कोई गलती है तो उसका पता लगा सकता है। अगर कोई हुई है तो उस पूरे सीक्वेंस को रीशूट करा सकता है अगर ज़रूरी हो तो। सभी टेलीविज़न मॉनिटर की तरह व्यू फाइंडर के पास भी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और फोकस, जिसको शार्पनेस भी कहेंगे, की एडजस्टमेंट्स होती। कुछ एक नए व्यू फाइंडर के पास कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कैमरा ऑपरेटर को फोकस करने में सहायता देती हैं, जिसको फोकस असिस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि जो व्यू फाइंडर के साथ एडजस्टमेंट्स हैं ना, वो कभी भी कैमरा वीडियो इमेज पर प्रभाव नहीं डालेंगी, कभी भी किसी तरह भी। स्पॉटिंग द कैमरा।
कैमरे को सपोर्ट करने के तीन बुनियादी तरीके हैं। कैमरा ऑपरेटर के शरीर का इस्तेमाल करना, अभ्यास के साथ कैमरे को हैंड हेल्ड हाथों के साथ सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। अभ्यास के साथ एक कैमरा ऑपरेटर को कैमरे के डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए, व्यू फाइंडर के आई पीस में देखते हुए, उसको अपने सर के साथ, कंधे के साथ सपोर्ट देते हुए हैंड हेल्ड किया जा सकता है। कुछ तरह की बॉडी सपोर्ट भी लें। यहाँ कई तरह की अलग अलग आकार में बॉडी सपोर्ट कैमरे के लिए हाजिर हैं, उपलब्ध हैं। ये कैमरे के लिए मैकेनिकल सपोर्ट बढ़ाते हैं, जिससे कैमरे के लिए स्टेबिलिटी, स्थिरता बढ़ती है। जैसे कैमरे को माउंट के साथ अटैच करना या जोड़ना। कैमरा कई तरह से माउंट के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जैसे मोनोपोड और ट्राईपोड, ये कुछ तरह की किस्में होती हैं। इसमें स्क्रू सॉकेट होती हैं जो बेस पे लगी होती हैं, उसके साथ अटैच किया जाता है। क्विक रिलीज प्लेट जो होती हैं, इसके साथ कैमरे को बॉटम के साथ बांधा जा सकता है और एक पल में ही वहाँ से निकाला जा सकता है। हैंड हेल्ड कैमरास। जब ऑपरेटर ये फैसला करता है कि वो कैमरा हाथ में रखेगा, ये इसलिए क्योंकि उस वक्त कैमरे को मोबाइल होना पड़ेगा और उसे अपनी स्थिति जल्दी जल्दी बदलनी पड़ेगी। ये जो मेथड है, आजकल जो नए क्रूज आ रहे हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये मेथड डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए और म्यूज़िक वीडियोस शूट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इन सब स्थितियों में जहाँ एक्शन हो रहा है उसको शूट करने के लिए कैमरे को उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द घूमना होता है। यूजिंग ट्राइपॉड। एक जो ट्राइपॉड होता है ना, वो कैमरे को उसको कंपैक्ट, मतलब संक्षेप रूप में, और स्टडी मतलब स्थिर, और उसको कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक रखने में पेशकश करता है। ट्राइपॉड की तीन इंडिपेंडेंट एडजस्टेबल लेग्स होती हैं, मतलब तीन स्वतंत्र टांगे होती हैं, जिसको हम अपने हिसाब से जितने हमें चाहिए हैं उसको बढ़ा घटा सकते हैं, और ये आधार बनाती हैं जिससे कैमरे को स्थिरता मिलती है। ट्राइपॉड से हम जो कैमरे का बेस बनाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव हैं। ऐसी जगह जहां लोगों का आना जाना हो या कोई जानवर वगैरह आते जाते हो, ऐसी जगह कैमरे को ट्राइपॉड पे बगैर अटेंडेंट के ना छोड़ें, ये कैमरे के लिए घातक हो सकता है। उस वक्त ख़ास ध्यान रखें जब कोई ज़मीन धसी हुई हो, झुकी हुई हो, नरम हो या फिसलन लिए हुए हो। पाँव को फिसलने से बचाने के लिए ट्राइपॉड के पास रबड़ के पैड होते हैं जो स्मूथ ग्राउंड के ऊपर लगाने के लिए होते हैं, और स्पाइक्स होते हैं जो स्क्री आउट, रीटैचेबल और रफ़ सरफेस के लिए होते हैं। हालांकि स्पाइक्स का इस्तेमाल तब नहीं करना चाहिए जब फर्श को नुकसान होने की संभावना हो।
अगर ज़मीन आसमान है, अनइवन है, जैसे वहाँ चट्टाने हैं या सीढ़ियाँ हैं, तब जो ट्राइपॉड्स की लेग्स हैं उनको अलग अलग लंबाई पर व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि जो कैमरा का जो लेवल है वो स्थिर रहे जब वो पैन किया जा रहा हो। नहीं तो हॉरिजेंटल्स कैमरा पैन होने पर टिल्ट हो जाएंगे, झुक जाएंगे। कुछ ट्राइपॉड्स के साथ बबल लेवल्स फिट किए गए होते हैं जिससे कैमरे को लेवल करने में सहायता मिलती है। जब कैमरा ट्राइपॉड के साथ फिट हुआ होता है तब इसका भार बहुत ही ज़्यादा हो चुका होता है। तब ये ध्यान में रखें कि ट्राइपॉड लेग्स जो हैं वो पूरी तरह से फैली हुई हों, स्प्रेड हों, और ये एक समतल सतह पे टिका हुआ हो। ट्राइपॉड की स्थिरता बढ़ाने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं। सबसे साधारण जो है वो है कि सेंटर में वेट को लटकाना ट्राइपॉड के, जैसे कि सैंड बैग को लटकाना। इसको किसी रस्सी या चेन के सहारे ट्राइपॉड के सेंटर में नीचे लटका दिया जाता है। टांगों को ज़मीन में स्पाइक के साथ बांधा जा सकता है या पोर्टेबल बेस भी बनाया जा सकता है। स्प्रेडर, जो एक फोल्डिंग डिवाइस होती है, उसको इस्तेमाल करके द रोलिंग ट्राइपॉड, ट्राइपॉड डॉली। ट्राइपॉड का शूटिंग के दौरान व्यवहारिक नुकसान ये है कि कैमरा ऑपरेटर इसको यहाँ वहाँ इर्द गिर्द घुमा हिला नहीं सकता, जबकि ट्राइपॉड डॉली तो यूज़ कर ही सकता है। ये पहियों का समूह जिस पर ट्राइपॉड्स फिट हो सकते हैं, या यूँ कह लीजिए व्हील बेस, पहियों का आधार जिस पर ट्राइपॉड रखा जा सकता है, जिसको हम रोलिंग ट्राइपॉड भी कह सकते हैं। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, पर रोलिंग डॉली को इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि रोलिंग डॉली के रास्ते में कोई केबल तो रुकावट नहीं डाल रही, मतलब कैमरे के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। कई बार एक ढलान पर एक डायरेक्शन में डॉली को भेजने से पहले हल्का सा एक धक्का ही काफ़ी होता है, नहीं तो जो वीडियो में जा रही है जैसे ही ट्राइपॉड चलना शुरू करता है तो एक झटका सा दिखाई दे सकता है। ये छोटे स्टूडियोज़ में बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे के जो मूव्स हैं वो अप्रोक्सीमेट होने चाहिए, अनुमानित होने चाहिए पहले से। इसके साथ ही कैमरे की जो हाइट है उसको एडजस्ट किया जाता है ट्राइपॉड की लेग्स को व्यवस्थित करने के बाद। डॉली निर्विघ्न फर्श या डॉली ट्रैक पर काम कर सकती है।